आज की वीडियो में एक हेयर मास्क शेयर करने वाली हूँ जो कि बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। हेयर फॉल को रोकेगा, बालों को लंबा घना मजबूत बनाएगा, डैंड्रफ को कम करेगा, इची स्कैल्प को कम करेगा, मतलब बालों से रिलेटेड आपकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर देगा। और जब बालों की ग्रोथ की बात होती है और हेयर फॉल की बात होती है तो हम ऐसे में मेथी को कैसे भूल सकते हैं। मेथी में इतनी ज़्यादा मात्रा में पोटेशियम होता है और बहुत अच्छे अच्छे न्यूट्रिशन होते हैं जिससे कि बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। मेथी को बहुत सारे तरीक़ों से हम यूज़ कर सकते हैं बालों के लिए। मेथी का जो पानी होता है उसको बालों के लिए कैसे यूज़ करते हैं इसका मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। मेथी को यूज़ करने के लिए आप ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, मेथी ऑयल बना सकते हैं। आज की वीडियो में मैं एक हेयर मास्क बनाने वाली हूँ जो कि बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, और अच्छी बात यह है कि आप इसको बालों के साथ साथ अपने स्किन पर भी अप्लाई कर सकते हैं। मेथी बालों के साथ साथ स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, स्किन को लाइटन करने में, ब्राइटन करने में और दाग धब्बे दूर होने करने में, और स्किन पर कुछ इन्फेक्शंस हो जाते हैं, एक्ने पिंपल हो जाते हैं, इन सारी चीज़ों पर मेथी बहुत अच्छे से काम करती है। हेयर मास्क है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है पर बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। इसको बनाने के लिए आपको सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, और वो दो चीज़ें हैं, आपको मेथी दाना चाहिए और कर्ट चाहिए। अब दो चीज़ें सुन के ये मत समझना कि यार ये तो काम ही नहीं करेगा, क्योंकि दो चीज़ों में क्या मास्क बनेगा। देखिए, और भी सारी चीज़ें हम मिक्स कर सकते हैं, उसको बड़ा फैंसी बना सकते हैं, पर ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास चीज़ें हैं, कोई एसेंशियल ऑयल वगैरह घर पर रखा है तो आप यूज़ कर लीजिए, और नहीं है तो कोई बात नहीं, रहने दीजिए। आपको बस मेथी दाना ले लेना है अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग, और बस इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपको ये मेथी दाने को रात भर पानी में भिगो के रखना है। अब रात भर नहीं रखना चाहते हो तो कम से कम 5-6 घंटे तो रखना पड़ेगा। अब जो पानी बचता है उसके भी बहुत सारे यूजेस हैं, और आप ये आई बटन पर आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है। अब ये जो मेथी दाना है इसमें आपको कर्ड मिक्स करना है और अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। अब ये जो फाइन पेस्ट बन के तैयार हो गया इसी को आप बालों पे लगाना है। अब अपने बालों पे लगाइए, और आप अपने स्किन पे भी, फेस पे भी आप इसको अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। बालों पे आप लगाते हैं तो इसको कम से कम 45 मिनट्स तक बिल्कुल लगा के रखिए, और अगर आप फेस पे अप्लाई करते हैं तो इसको 10 मिनट से ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बार अगर ये आपके फेस पे ड्राई हो गया तो इसको निकालने में थोड़ी सी मुश्किल रहेगी, तो 10-15 मिनट ही सफिशियंट है। इसको लगाने के बाद बालों को आप माइल्ड शैम्पू से वॉश कीजिए, क्योंकि अगर आप खाली पानी से वॉश करेंगे तो हो सकता है छोटे छोटे पार्टिकल्स आपके बालों में रह जाएंगे। इसलिए केमिकल फ्री कोई भी ऑर्गेनिक शैम्पू आप यूज़ कर सकते हैं, और अच्छे रिजल्ट्स के लिए आप इसको वीक में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, और इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अच्छे रिजल्ट के लिए आप कम से कम इसको वीक में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, और जब आप इसको रेगुलर वीकली अप्लाई करेंगे तभी आपको आपके हेयर ग्रोथ में डिफरेंस नज़र आएगा। ये बालों को बहुत अच्छे से कंडीशनिंग करता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनाता है, सिल्की बनाता है। आप मेरे बालों को देख रहे हो, ये मैं करके ही बैठी हूँ, और आप स्किन भी देख सकते हो। अभी वैसे मुझे इधर थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, पर आप बाकी स्किन देख सकते हो, काफ़ी ग्लोइंग लग रही है, काफ़ी अच्छी लग रही है, काफ़ी सॉफ्ट लग रही है। तो इस मास्क को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी मैं अपने वीडियोस अपलोड करती हूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।